الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے ہر ایک ام ہادی ہر ایک رہنما ہے شریعت کے راہوں پہ ہم کو چلایا صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے گرامی قدر حاضرین سامعین آج 10 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد اہل بیت کے اندر عظمت صحابہ کانفرنس کا انعقاد ہوا اس کے انعقاد کی کچھ وجہ ہے آپ حضرات کے علم ہے کہ اسی سال اسلام آباد کے اندر ایک ذاکر نے بڑے مجمع کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور پھر اس کے بعد آپ کے شہر کراچی کے اندر 10 محرم والے دن بڑے مجمع کے اندر حضرت سیدنا معاویہ
और हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा इन हज़रात पर तबर्राबाज़ी और इनकी गुस्ताखी की गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उलमा इस मसले पर संजीदगी से गौर करने लगे और संजीदगी से गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि सहाबा किसी एक जमात के नहीं थे, सहाबा किसी एक जमात के नहीं थे बल्कि सहाबा सब के लिए हिदायत बनकर आए। सहाबा सब के हैं और सहाबा का दिफा करना हर कलमा गो का हक है। चुनाचे इस हवाले से फिर उलमा मुतहर्रिक हुए, जिसके अंदर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम जब यहाँ मौजूद हैं तो इसी दौरान आपके जलसे के शुरू होने से पहले इन उलमा को जमा करने वाली हस्ती, इन उलमा को मुत्तहिद करने वाली हस्ती, इन सारे मसालिक को मुत्तहिद करने वाली शख्सियत फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल ख़ान साहब रहिमहुल्लाह थे, जो अब से चंद घंटे पहले शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो अब से चंद घंटे पहले शहीद कर दिए गए। शहादतें इस मिशन को नहीं रोक सकती, शहादतें इंशाअल्लाह इस मिशन को नहीं रोक सकती। हम तो पहले से ही कुर्बानियाँ देते हुए आ रहे हैं और हम पहले से ही ये कहते हुए आ रहे हैं कि अमन कायम करो, और अमन कायम करना ये मुसलमानों का भी काम है और हुकूमत वक्त का भी काम है। और बदअमनी जहाँ होगी कि जहाँ हमारी मुकद्दस शख्सियात पर हमला किया जाएगा। ये ऐसे शख्सियत के बेटे थे कि आज से तीन चार महीने पहले मैं इन्हीं के हवाले से एक वाक़या बताता चलूँ। जब मदारिस को खुलने की बात हुई तो सुबह सिंह के वज़ीर तालीम से मुलाकात की बात हुई तो मुझे मौलाना के बेटे का फ़ोन आया और कहने लगे वो आपके हलके के हैं, सिंध के जो वज़ीर तालीम हैं, तो इनसे मुलाकात करनी है वालिद साहब ने। हमने उनसे दरख्वास्त की और मुलाकात के लिए हम चले गए तो मौलाना आदिल ख़ान साहब ने बड़ी अजीब गुफ्तगू की और उनसे कहा कि आपसे हम मुलाकात के लिए वक्त क्यों ले रहे हैं, होना चाहिए था आप हमसे वक्त लें। हम विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का इदारा रखते हैं, 30 लाख बच्चे हैं हमारे यहाँ, जिस तरह स्कूल पढ़ने वाले वो एक उलूम के अंदर महारत हासिल कर रहे हैं और वो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, ये मदारिस के बच्चे भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ऐसी शख्सियत के बेटे हैं मौलाना शेखुल हदीस सलीमुल्लाह खान रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएं। जनरल मुशर्रफ जो मदारिस को बंद करने की बात कर रहा था तो हजरत ने टेबल पे हाथ मार के उन्हें कहा कि ए जनरल, ये बात याद रखना, एक वक्त आएगा तुम नहीं होगे लेकिन ये मदारिस कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो वक्त आया, वो नहीं है, मदारिस कायम है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उलमा की जो रहबर कमेटी जो हमारी बनाई गई थी कराची के, उसके जो सरपरस्त थे, जो बुनियादी रुकन थे, आज उन्हें शहीद कर दिया गया। इसलिए आप जरा से एक दरख्वास्त तो ये भी करनी है कि अब उलमा की रहबर कमेटी का इंतज़ार करें वो क्या कहते हैं, और इंशाअल्लाह वो जैसा हुक्म देंगे हम इंशाअल्लाह उनके पीछे पीछे चलेंगे। इंशाअल्लाह वो जैसा हमें हुक्म देंगे हम इंशाअल्लाह उनके पीछे पीछे चलेंगे। और इन शहादतों ने इस मिशन के अंदर और ताकत पैदा कर दी है। हमारी और आपके निजात का दारोमदार हमारे आमाल की बुनियाद पे होगा कि आपने अच्छा अमल किया तो आपकी निजात हो जाएगी, बुरा अमल किया तो शायद निजात ना हो। लेकिन अल्लामा दीनपुरी रहिमहुल्लाह ने बड़ी अजीब बात लिखी, सहाबा के निजात का जो दारोमदार होगा वो उनके अहवाल पर नहीं बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के बिना पर होगा, आपसे ताल्लुक़ के बिना पर होगा। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है
कि हजारों लाखों कुतुब जमा हो जाए, हजारों औलिया जमा हो जाए, हजारों बायजीद बस्तामी जुनेद बगदादी जमा हो जाए, और एक तरफ एक अदना सा सहाबी जिसने जिंदगी में से हुजूर अलैहिस्सलाम की ईमान के हालत में ज़ियारत की हो, ये हजारों औलिया एक तरफ हो जाए, ये एक सहाबी एक तरफ हो जाए, ये एक सहाबी के दो रकात नफिल की नमाज तक ये नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि आपने फरमाया कि मेरा वो सहाबी अगर वो मुट्ठी भर खर्च करेगा और तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, हम मेरे इस सहाबी के मुट्ठी भर तक तुम नहीं पहुंच सकते, इस सहाबी के मुट्ठी भर तक नहीं पहुंच सकते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लिमर रहानी, खुशखबरी वो उस आदमी के लिए जिसने मुझे देखा, वली मर रहा मर रहानी, और जिसने सहाबी को देखा उसे भी खुशखबरी हो। आपने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाएर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, ये तुम पर लाजिम है, और इसी तरह मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को भी लाजिम पकड़ लो, ये भी तुम पर लाजिम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कोई मामूली जमात नहीं थी, ये जो कुरान हम तक पहुँचा, ये दीन हम तक पहुँचा, ये सहाबा की बदौलत पहुँचा। हम आज मुसलमान हैं तो सहाबा की बदौलत मुसलमान हैं। अगर सहाबा में से किसी सहाबी के बारे में शक हो जाए या किसी सहाबी के ईमान के बारे में तरद्दुद हो जाए तो खुदा न खास्ता हमारा जो ईमान है ये भी शक के अंदर पड़ जाएगा। और ये ऐसे ही होगा कि उस्ताद अगर शागिर्द बुरा हो तो लोग कहते हैं कि उस्ताद ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की, सहाबा के उस्ताद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, तो ये गोया कि नबी अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उंगली उठाने के मुतरादिफ होगा। ये कोई मामूली जमात नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर उन्हें अपनी जमात कहा, उलाइक हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ये तो अल्लाह की जमात है। वमन युशाक़िक़ अर्रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, अल्लाह ने फरमाया अगर कोई सहाबा के रास्ते को छोड़ेगा तो मैं उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल करूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि 72 फिरके 73 फिरके होंगे जिसमें से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका ऐसा होगा वो जन्नत में जाएगा। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा फिरका है, उसकी क्या निशानी है जो जन्नत के अंदर जाएगा? आपने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा ये जो शख्स होगी और ये जो जमात होगी ये जन्नत के अंदर जाने वाली बनेगी। ये हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, ऐसी मोहब्बत कि हसन बसी रहिमल्लाह ने फरमाया कि अगर आज ये कब्रों से उड़ जाए और हमें देख ले तो हमारे ईमान में इनको शक हो जाएगा ये कैसा मुसलमान है, और आज हम उन्हें देख लें तो हम कहेंगे ये तो शायद मजनून और दीवाने किस्म के लोग हैं। अतबो अबेदा जर्राह रजी अल्लाह अन्हु, गज़वे बदर का मौका आया तो उन्होंने अपने वालिद जर्राह को अपने हाथों से कत्ल किया। किसी ने पूछा आपने बाप को कत्ल कर दिया, कहने लगे मैंने इशारों से उन्हें बहुत रोका कि हुजूर के करीब मत आओ, हुजूर के करीब मत आओ, मैंने बड़े इशारे दिए लेकिन वो करीब आ रहा था, मैंने अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया। ये बड़ी अजीब जमात थी। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथ से कत्ल कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बेटा मुसलमान हुआ, गज़वे बदर के मौके पे मुसलमान नहीं था, तो अपने वालिद से कहने लगा कि अब्बा जान आप बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आ चुके थे लेकिन मैंने इस वजह से छोड़ा कि मेरे वालिद हो, सिर्फ इस वजह से छोड़ा। बाप ने बड़ी अजीब बात की, कहा बेटा अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता, मैं ये नहीं सोचता कि तुम मेरे बेटे हो। ये ऐसी अजीब जमात थी।
आप में से हर शख्स की तमन्ना है कि वो मदीना मुनव्वरा में जाए और वहीं उसका इंतकाल हो, जन्नतुल बकी उसका मदफन बने। हर मुसलमान की तमन्ना है और होनी भी चाहिए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत। आपने फरमाया जो जन्नतुल बकी में दफन होगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी शफाअत करूँगा। अल्लाह हमें वहाँ की मिट्टी नसीब फरमाए। लेकिन आप सहाबा को देखिए कि जिन्होंने हुजूर के हुस्न को देखा, हुजूर के अखलाक को देखा, हुजूर की ज़िंदगी को देखा और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाली हस्ती और जमात थी, लेकिन आपको सारी दुनिया के अंदर सहाबा की खबरें नज़र आएंगी। सारी दुनिया के अंदर आपके पाकिस्तान में भी सहाबा की खबरें हैं, इसलिए कि ये दीन के लिए पूरी दुनिया के अंदर फिरे और दीन को फैलाने के लिए सारी दुनिया के अंदर फिरते रहे ताकि हुजूर का दीन सारी दुनिया के अंदर फैल जाए। ये सहाबा कोई मामूली जमात नहीं थी, ये बड़ी अजीम जमात थी। अबू ज़रआ रहमतुल्लाह जिन्हें हाफिजुल हदीस कहा जाता है, उन्होंने लिखा अगर कोई शख्स सहाबा की तनकीस करता है उस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने सारे सहाबा के बारे में कह दिया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मैंने इन सब के लिए जन्नतें और आला मकाम लिख दिया है, रदियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, मैं इनसे राज़ी हो चुका हूँ, ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं, मैं इन सब सहाबा से राज़ी हो चुका हूँ। तो कोई शख्स अगर सहाबा की तरफ उंगली उठाएगा तो दर हकीकत वो सहाबा की तरफ उंगली नहीं उठाएगा बल्कि वो अल्लाह के कलाम की तरफ उंगली उठाएगा और उसका ईमान खतरे में, बल्कि ईमान से वो खारिज हो जाएगा अगर कोई सहाबा के ईमान के बारे में शक करेगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा मेयार हक हैं, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। आज जो मैं और आपने कलमा पढ़ा इसके पीछे उन हजरात की मेहनत है, उन हजरात की मेहनत है, उन हजरात ने मेहनत की। आप कहते हैं ना कि तबलीगी जमात में जो मौलाना इलियास साहब रहीमुल्लाह ने जो जमात तैयार की मेवात के रहने वाले लोगों की, तो आज भी मेवात के लोगों को जमात में अहमियत दी जाती है कि मेवात के लोग हैं, इसलिए कि हजरत के साथ शुरू के लोग थे, शुरू के लोग थे और उन्हें जमात के अंदर उनका मकाम है और उनके लोगों का एहतराम है। बावजूद ये कि गरीब थे लेकिन उनका एहतराम है, इसलिए कि इस काम को उठाने वाले कौन थे, ये मेवात के रहने वाले लोग थे। इसी तरह सहाबा इकराम का मकाम है, सहाबा इकराम का मकाम है कि हुजूर के बाद दीन को हर बहर जो पहुँचाया वही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हम तक पहुँचाया। ये बड़ी अजीब जमात थी, हुजूर से ऐसी मोहब्बत करने वाले। मैं और आप अपने दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बालों को नहीं गिन सकते कि कितने सफ़ेद बाल थे, लेकिन सहाबा बाज़ हदीसें ऐसी आती हैं वो रावी रिवायत करता है कि ये बात हुजूर ने उस वक्त कही जब हुजूर के दाढ़ी मुबारक के अंदर 11 बाल सफ़ेद थे, जब हुजूर के दाढ़ी मुबारक के अंदर 40 के करीब बाल सफ़ेद थे। इतना आप अलैहिस्सलाम को गौर से देखा करते थे, इतनी मोहब्बत थी कि आपके दाढ़ी के सफ़ेद बालों को भी वो गिना करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार थे, ये आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बतें, सच्ची मोहब्बतें नसीब फरमाए और सहाबा इकराम का सच्चा आशिक बनाए। दरहकीकत बात यह है कि आज हम घरों के अंदर अपनी औलादों को, अपनी औलादों के नाम भी बसा अवकात दुनिया के हीरों और दुनिया के क्रिकेटरों के नाम पे रख देते हैं और बसा अवकात आज के मुसलमान को भी नहीं पता होता खुलफाए राशिदीन कौन है, कितने हैं, उन्हें नाम नहीं पता होता। और अगर आप उनसे किसी हीरो के बारे में पूछें पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा, कौन है, कहाँ पैदा हुआ, इसकी आमदनी कितनी है, सारी बता देगा। लेकिन सहाबा इकराम हमारे असल हीरो हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। उसकी बुनियादी वजह आप हैं। आप अपने घर में अपनी औलादों की तरबियत ऐसी करें, औलादों के नाम रखें, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, औलादों के नाम सहाबा के नाम पर रखें।
और औलादों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और खुसूसन सहाबा की ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताएं। हमारी तारीख कोई खाली तारीख नहीं है, हमारी तारीख भरी हुई है और ऐसी तारीख है कि अगर आज हम अपनी औलादों को दिखाएं और बताएं तो आज का हर मुसलमान उसके दिल में इश्क जाग उठेगा और इसके दिल में मोहब्बत जाग उठेगी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। तो इस बात की भी ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों को सहाबा की आज़मत बताएं और ऐसी जगहों पे अपनी औलादों को भेजें, ऐसे इदारों में भेजें जहां सहाबा की मोहब्बत सहाबा की आज़मत बताई जाती हो, जहाँ उनका अकीदा ख़राब न किया जाता हो, उनका अकीदा दुरुस्त किया जाता हो। ऐसी जगहों में मैं और आपको चाहिए कि अपनी औलादों को भेजें, इस बात की भी हम पाबंदी करें और ख़ुद भी हमें चाहिए कि रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर, जैसा कि हम फ़ज़ाइल आमाल है एक किताब है उसकी तालीम होती है, आप इसी तरह फ़ज़ाइल आमाल के अंदर फ़ज़ाइल सहाबा है एक किताब, फ़ज़ाइल सहाबा आप उसे पढ़िए, अपने घर में रखिए और अपने घर में उसकी 5 मिनट 10 मिनट तालीम कीजिए, सहाबा की मोहब्बत आएगी। शेख हदीस रहमतुल्लाह ने लिखी बड़ी खूबसूरत किताब है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कारनामे के, सहाबा ने कैसे हुकूमतें कायम की, बड़े अजीब अजीब वाक़यात हैं। आप हजरात का ईमान ताज़ा होगा, अभी ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा इसलिए कि ऐसा सानिया पेश आया है जिसने हम सब के दिलों को गमगीन कर दिया है और हकीकत बात यह है अल्लाह ऐसे बदबख्तों को इबरतनाक अंजाम से दोचार करें और अल्लाह ऐसे बदबख्तों को सरेआम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सजा दे और हमारे मुल्क के अमन को तबाह करने वाले जो लोग हैं अल्लाह उन्हें भी इबरत का निशान बनाए। दुआ भी करें खुसूसी तौर पर और अपने मुल्क के अमन के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ करें, इसलिए कि चंद सालों तक ये मामला था फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन कायम हुआ, लेकिन अब दोबारा बदअमनी के इशारात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह आफियत वाले मामलात फरमाए। मैं मुख्तसर सी हम मुख्तसर सी नात और शान सहाबा पर मुख्तसर से अशआर पेश करके उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। हैं उसके सना ख्वा अर्ज़ो समा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, बढ़ता है खुदा खुद सल्ले अला सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, बढ़ता है खुदा खुद सल्ले अला सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, है सबसे मुक़द्दस बाद खुदा वो रहमत आलम क्या कहना, वो रहमत आलम क्या कहना, उसन कोई होगा न हुआ सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, पढ़ता है खुदा खुद सल्ले अला सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, ये शम्स क़मर ये बरग शजर क्या गूर मलाइक जिन्न बशर क्या गूर मलाइक जिन्न बशर, पढ़ते हैं सभी उसका कलमा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, पढ़ता है खुदा खुद सल्ले अला सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। नबी कलब पर
जो जिक्र गए मिसाल आया कमाल आया। आप जात मिल के गिनाए कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गए मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो फिक्र उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। जो फिक्र उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। उम्र की जुर्रत पे जाओ कुर्बा है आज काफिर बियों से लरजा। अल्लाह हमें एक और उम्र अता फरमाए। आज तक काफिर उनसे लरज रहे हैं। उम्र की जुर्रत पे जाओ कुर्बा है आज काफिर बियों से लरजा। उम्र के आने से कुफ्र पर जो जवाल आया कमाल आया। उम्र के आने से कुफ्र पर जो जवाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। गुरूर गुरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर गुरों का तोड़ डाला लगा के माथे बेतिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी तो साइम सभी गए आला है रुतबे उनके बुलंदो बाला। मगर जो आखिर में आमना का वो लाल आया कमाल आया। मगर जो आखिर में आमना का वो लाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार
कालम क्या होगा, दीदार कालम क्या होगा, जब हुस्न उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। बूबकर उमर उस्मान अली और सारे सहाबा दोस्तानों, बूबकर उमर उस्मान अली और सारे सहाबा दोस्तानों, जब बैठते होंगे मजलिस में, जब बैठते होंगे मजलिस में, सरकार कालम क्या होगा, सरकार कालम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ये पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ये पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार कालम क्या होगा, सरदार कालम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। नबी के सहाबा का रुतबा बढ़ा गए, हर के उम्मे हादी हर के रहनुमा गए, सहाबा 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 सहाबा, नबी चांद है और सितारे सहाबा, सहाबा 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 सहाबा, नबी चांद है और सितारे सहाबा, शरीयत की राहों पे हमको चलाया, सहाबा का एहसान हम पे बढ़ा गए, उन्हीं का गे दुनिया में हमको सहारा, उन्हीं का में हश्र में आसरा गए, नबी के सहाबा का रुतबा बढ़ा गए, हर के उम्मे हादी हर के रहनुमा गए, सहाबा 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 सहाबा, नबी चांद है और सितारे सहाबा, वो जन्नत का है और जन्नत है उसकी, जो नाम सहाबा पे दिल से फिदा है, जनाबे अबू बकर को शाह दीन, अतीक उनको कहे कर मुखातब किया गे, किया जेर ईरान रूम अरब को, उमर की शुजात का डंका बजागे, नबी के सहाबा का रुतबा बढ़ागे, हर के उम्मे हादी हर के रहनुमागे, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, नबी चांद है और सितारे सहाबा, जुबान पर न क्यों नाम उस्मान आए, हमें उनके हाथों से कुर्रा मिला गए, उखाड़ा है खैबर के दर को अली ने,
उसी से लकब उनको खैबर कुशा है। नबी के सहाबा करतबा बढ़ाए, हर के उनमें हादी, हर के रहनुमा सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। नबी चांद है और सितारे सहाबा। अल्लाहु अलैका अलहम्द कमा अंता सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता वफाल बिदा मा अंता फइन्नका अत्तक्वा वल मग़फिरा। इलाह आलमीन हम सबका उठना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा, एक कोताही हुई हो इलाह आलमीन उसे दरगुजर फरमा। सहाबा की अजमत हमारे दिलों में पेवस्ता फरमा, सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमा, सहाबा की इब्तिदा नसीब फरमा, सहाबा की इत्तिबा नसीब फरमा। इलाह आलमीन आज मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान रहमहुल्लाह जिन्होंने उनको शहीद किया, इलाह आलमीन उन्हें इबरतनाक अंजाम से दोचार फरमा, उनकी शहादत को कबूल फरमा। जिस रास्ते पर वो चले इलाह आलमीन उस रास्ते पर जितने भी जो नेकियां उनसे हुई उन सबको अपने बारगाह आली में कबूल फरमा। सहाबा के मिशन पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, जन्नत के बाबों में से एक बाग बना। ईमानों को शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। इस मस्जिद को इलाह आलमीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां नसीब फरमा। यहाँ के तमाम मसाइल को अपने गैब के खजानों से हल फरमा, जुमला हाजात को हल फरमा। इलाह आलमीन हम सबको आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा, आपस में मोहब्बतें नसीब फरमा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आप तमाम अहबाब ने मोहब्बतों से आखिर तक तमाम बातों को सुना, इलाह आलमीन हम सबको और इन सबको जिन्होंने मोहब्बतों से सुना और बुलाया अपने घरों की ज़ियारत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक या अरहम।